ऑल वेदर सड़क परियोजनाएं पूरी हो रही और पूरी होकर आज पूरे देश के लिए आने वाले प्रत्येक यहाँ पर्यटक को श्रद्धालु को जो सुविधा प्रदान हो रही है वो हम सबके समक्ष है। उसी प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट, अभी कैलाश मानसरोवर की बात रघु जी यहाँ से कर रहे थे और उस पर काम हो रहा है। यहीं से शिमली ग्वालदम और जलदेवी तक का मार्ग वह भी तेजी से निर्माण उसका हो रहा है। अटक से लेकर कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड कनेक्टिविटी का विस्तार होने से यातायात सुगम हुआ है। उत्तराखंड में भी छोटा स्टेट होने के बावजूद 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे हैं और प्रदेश में सड़कों की जो दशा है पहले से अद्भुत रूप से उसमें सुधार हुआ है। बहुत सारे यात्री जो पहले भी यहाँ आते रहे और अब जब आते हैं तो जो अंतर है, जो फर्क है, वो जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो जरूर हमसे चर्चा करते हैं कि अब बद्रीनाथ जाना कितना आसान हो गया, कितना कम समय लगता है, या ऋषिकेश से चलते हैं तो बद्रीनाथ तक का सफर का पूरा हो गया, पता ही नहीं लगता है। इसी प्रकार से भारतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 5 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्टों से चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्राएं लगातार सुगम हो रही है। आज देश में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन होना यह दर्शाता है कि किस तरह देश में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हम भी प्रतिदिन 4 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जबकि पहले जो सड़कों की हालत थी कितनी खस्ताहाल थी ये किसी से छिपी हुई नहीं है। भाई बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के विकास के एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है और जो उन्होंने हमारे राज्य पर, हम सब पर विश्वास किया है, इस विश्वास को अवश्य ही हम साकार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए हमारी पूरी सरकार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का सहयोग और आशीर्वाद लेकर पूरे मनोबल के साथ हम काम कर रहे हैं। हमने ऐसे अनेक मुद्दों का निस्तारण किया जिन्हें उनकी सरकारों ने जिन तरफ ध्यान नहीं दिया उस तरफ भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में हर स्तर पर कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है और हमारा जहां पर BRO और NHAI ऐसे अनेकों संगठन जो काम कर रहे हैं उनको भरपूर सहयोग राज्य सरकार की तरफ से जहां भी देने की आवश्यकता है, जो भी समन्वय करना होता है उसको हम लगातार कर रहे हैं। उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जा रहा है और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर भी अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं। इसके दृष्टिगत हम निरंतर अपने शहरों के जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं उनके अनुरूप तैयार कर रहे हैं और यही जोशीमठ का स्थान ये एक बड़ा केंद्र है और आने वाले समय में इसके आसपास पूरा ये क्षेत्र है जो चारधाम ऑल वेदर से जुड़ता है 25 सालों में 50 सालों में किस प्रकार से लोगों का यहाँ आवागमन होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यात्रा का हम देखते हैं कि जो यात्रा 2021-22 में थी वो 23-24 में उससे 10 लाख ज्यादा हो गई। पहले साल 46 लाख थी 22 में और 23 में वो 46 लाख से बढ़कर 56 लाख चारधाम यात्रियों की संख्या हो गई। और इस प्रकार से हर क्षेत्र में चाहे कांवड़ यात्रा हो या आने वाले हमारे पर्यटक हों, देश विदेशों के जो श्रद्धालु हों, हर साल उनकी संख्या बढ़ रही है। उस संख्या के अनुरूप अब हम राज्य के अंदर आधारभूत जो संरचना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। आज युवा उत्तराखंड अब एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है और हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को
देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने में अवश्य सफल होंगे। अंत में पुनः मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का देवभूमि में आप सब की तरफ से अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और बीआरओ को इस भव्य आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।